हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीट 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बोटनी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम जूलॉजी का क्वेश्चन अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और आप अपने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते रहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द फेनोमेना ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म रिफर्स टू, मतलब प्लियोट्रॉपिज्म क्या होगा फेनोमेना का, ठीक है। तो ऑप्शन में है प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ टू जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। ये नहीं हो सकता, सिंगल ट्रेट कभी नहीं हो सकता। ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल सही बात है। अगेन है मोर देन टू जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, मतलब कि बहुत सारे जो जीन होंगे वो अफेक्ट करेंगे सिंगल कैरेक्टर को, ये भी नहीं हो सकता। अगेन द नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन्स कंट्रोल अ सिंगल क्रॉस ओवर, ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंपल कल्चर एक्सप्रेशन लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम ऑफ फॉर्म टू स्केलस, दिस फेनोमेना मे बी कॉल्ड एज। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। ये एनसीईआरटी का लाइन है, डेवलपमेंट सेंसेंस और डिफरेंशिएशन, ये तीनों नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर डी डिफरेंशिएशन होगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट दियर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाई, तो उसको क्या बोलेंगे हम। तो उसमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये नहीं हो सकता। पैसिव ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द राइट आंसर, ऑस्मोसिस भी नहीं हो सकता। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमोंगेस द इविल क्वार्टेट, तो इविल क्वार्टेट का बात कब आता है, तो ये क्लास ट्वेल्थ के 14 नंबर चैप्टर, मतलब इकोलॉजी में हम लोग, इको सिस्टम में हम लोग पढ़े हुए हैं। द इविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइव एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पीसीज, एक्सटिंक्शंस का भी बात वहीं पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओवर एक्सप्लाइटेशन इन इकोनॉमिक ग्रेन नहीं हो सकता, एलियन स्पीसीज तो ये हो ही नहीं सकता। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंट में हमने ये चीज़ पढ़ा हुआ था। हैबिटेट लॉस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे इविल क्वार्टेट की बात की गई थी। तो जब भी इविल क्वार्टेट का बात है तो यहाँ पे आपको हैबिटेट लॉस लगाना है, ठीक है। अगेन फिर हम यहाँ पे देखेंगे, फिर क्या है, पाँच नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन बाई विद इथ्रेडियम ब्रोमाइड विल शो, तो इसमें क्या शो करता है। तो ये ब्लू कलर तो शो नहीं कर सकता, ब्राइट येलो कलर भी शो नहीं करता। यहाँ ऑरेंज कलर जहाँ पे भी आए, जैसे कि आपको यहाँ पे यूवी रेडिएशन और अपॉन एक्सपोजर पे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, ठीक है इथ्रेडियम ब्रोमाइड वाले पे, मतलब अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन एंड डीएनए सस्टेन बाय द इथ्रेडियम ब्रोमाइड विल शो, तो यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज कलर शो करता है, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मतलब कि दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, एसर्शन रीजन का। अब फर्स्ट एसर्शन जो कह रहा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन अ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज, तो ये तो बिल्कुल ही सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज होता है गैमेटोफाइट इन द सेल साइकिल ऑफ मॉस का, उसको प्रोटोनिमा स्टेज बोला जाता है। और रीजन क्या कह रहा है कि प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ कैप्सूल, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर्स 4 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, 4 इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज का रोल, मतलब कि जो रोल है थर्ड का वो क्या चीज़ है। प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में, मतलब कि उसका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर्स ए हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, मतलब ट्रांसफर RNA एंड 5 sRNA एंड snRNA तीनों का तीनों आता है, तो ए इज़ द राइट आंसर, न कि थर्ड। अगेन फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब कि ये चैप्टर टू का क्वेश्चन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। द अर्थ समिट कब हुआ था, इन द हेल्ड रियो जेनेरो इन द ईयर, तो अर्थ समिट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, ये भी इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन का आ गया। एसर्शन में क्या कह रहा है कि ATP इज़ यूज्ड एट 2 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि जो ATP यूज़ किया जाता है 2 स्टेप में किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस में। एंड रीजन क्या कह रहा है, फर्स्ट ATP इज़ यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज, मतलब कि फर्स्ट ATP जो यूज होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। एंड सेकेंड ATP इज़ यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इन टू
फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, तो मेरे ख्याल से दोनों के दोनों इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों का करेक्ट ही कह रहा है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कैल्शियम इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि किस टर्म्स में ये क्या करता है कि थिकनेस को, मतलब कि ओजोन के थिकनेस को क्या करता है, वो मेजर करता है। तो इसका एक यूनिट होता है जो कि डॉब्सन यूनिट होता है, ये भी हमने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, 16 में, बट ये रिड्यूस्ड हो चुका है, तो इस पर आप ध्यान नहीं दें, वैसे आप इसको बना लीजिए। अगेन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट में एंडरिच एंड एंडार्च एंड एक्सचार्ज आर द टर्म्स ऑफन यूज इन डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। एंड स्टेटमेंट टू कहा जा रहा है, एक्सचार्ज कंडीशन इन द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ इंडार्च और एक्सचार्ज पर बात किया गया, जो क्लास 11th का ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर से है, इसमें बोथ के बोथ आंसर जो होंगे वो करेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर द ट्रू, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही बताया गया और ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट सही बताया गया। अगेन फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट एमोंग द फॉलोइंग। तो जब भी यहाँ पे हेट्रोस्पोरस की बात आए, ठीक है, और टेरिडोफाइट आए और पेयरिंग वाली बात अगर कही जा रही है, तो सेलिजेलेना और साल्वेनिया, मतलब कि सेलिजेलेना और साल्वेनिया जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, साल्वेनिया सही है, ये साल्वेनिया सही है, सेलिजेलेना सही है, बट ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अगेन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो डेट्रीवोर परफॉर्म फ्रेगमेंटस, ये भी सही है, फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें। अगेन द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेटेड, मतलब कि डिग्रेडेड बाय द सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, मिनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं कुछ माइक्रोब्स को। एंड वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रिसिपिटेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है, ये भी सही है। द डेट्राइटस फूड चैन बिंग्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना डेट्राइटस फूड चैन जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, वो मरे हुए चीज़ों को खाते हैं। अगेन अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इंटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म, ना कैटाबोलिज्म तो बिल्कुल नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इसमें यहाँ 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए बी सी एंड ओनली, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, एक्साइल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन इज एब्जॉर्ब्ड इन, ऑब्जॉर्ब्ड किस में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है एक चाइना रोज, ठीक है, यहाँ पे भी है, उसके बाद बीन, विन तो नहीं हो सकता, तो बीन से इसको कट कर देंगे, टोमेटो हो जाएगा, डायडल्फस ये नहीं होता, इसको कट कर दीजिए, फिर यहाँ पे मस्टर्ड बिल्कुल नहीं होगा, कट कीजिए, चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन और टोमेटो, ठीक है, तो इज़ द राइट आंसर। टोमेटो मैंने एक्सटर्नल अलग से लिख दिया है, इसमें ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ही स्पीड में नहीं देखना, बिल्कुल धीरे धीरे और ऑप्शन याद करते चलिए आप लोग, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फैमिली फेवेसियाई डिफर्स फ्रॉम द सोलेनेसियाई एंड लिलीएसियाई विद रिस्पेक्ट टू स्टामिन एंड पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेवेसियाई बट नॉट फाउंड इन द सोलेनेसियाई एंड लिलीएसियाई, मतलब कि वैसा करेक्टर आपको चूज करना है जो फेवेसियाई में तो होगा, लेकिन सोलेनेसियाई और लिलीएसियाई दोनों में नहीं पाया जाएगा, तो इसमें पॉलीडेल्फस जो होता है वो सब में पाया जाता है, पॉली का मतलब यह कि सब में होगा, मोनोडेल्फस हो सकता है, मोनोडेल्फियसस एंथर नहीं हो सकता, ये गलत है, एपिडेल्फस, डायडेल्फस ये दोनों गलत है, एंड डायडेल्फस और डाइथिकस एंथर ये दोनों सही है, ठीक है, सो 4 इज द राइट आंसर। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज़ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट, तो किस में होगा, 680 नैनोमीटर, ये NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगेन फिर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट, ये जो है ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी बार यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं 2021 में भी आया है, 20 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है, मतलब कि इसका राइट आंसर पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, ठीक है।
अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एमोंग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, टेक प्लेस इन किस में। तो इस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आपको जब मैंने सेल साइकिल डिस्कस किया था, अगर आपने मेरा सेल साइकिल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चैनल में जा करके, वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए सेल साइकिल के बहुत सारे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन बताए गए हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी जीवन फेज होता है, एस फेज होता है, जी टू फेज होता है, तो इसमें ये जो जीवन फेज होता है गाइस, ठीक है, मतलब कि जीवन फेज में क्या किया जाता है कि जीवन फेज में ग्रोथ फेज बोला जाता है, ग्रोथ गैप वन फेज। फिर एस फेज में क्या बोला जाता है, एस फेज जो होता है उसमें रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। सो एस फेज में ग्रोथ फेज बोला जाता है, मतलब कि यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। एंड जी टू फेज में फिर से गैप टू फेज बोला जाता है, मतलब इसमें भी ग्रोथ होता है लेकिन सेल के डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें क्या होगा, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स होगा। तो पांच फेजेस आपने पढ़े हुए हैं, है ना, जिसमें पैकेटिन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस, जायगोटिन। जायगोटिन में जो होता है वो क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम बनते हैं, तो ये तो होगा नहीं। डिप्लोटीन और डायकेनेसिस बिल्कुल नहीं हो सकता, पैकेटिन ही इज़ द राइट आंसर। मतलब कि पैकेटिन में ही क्या होता है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। एनसीईआरटी का जब आप मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट वाले जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पाँच ऑप्शन होगा जिसमें से पैकेटिन में रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स आपको एनसीईआरटी के लाइन में मिल जाएंगे। अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में अपना डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगले वीडियोस को भी कल देख सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। तो इसका राइट आंसर 18 और 12 होता है, 18-12 से ही आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जब भी एटीपी और एनएडीपी है तो 18 और 12 याद कर सकते हैं, ठीक है। 18 कहने का मतलब कि इसके जो होंगे वो 18 एटीपी होंगे और 12 एनएडीपीएच2 के एटीपी होंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि आपको पता है कि नीट में हमेशा रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को एक बारी और स्पीड में देख सकते हैं, 2x की स्पीड में देखने में कोई वो नहीं है, ठीक है, आप देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा वीडियो बस PYQ पे ही होगा और ये सिर्फ आपके भले के लिए ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।